कैसा है तू भैया? आज कॉलेज में पार्टी मेरे भाई। पार्टी अभी कॉलेज में? तुझे पता नहीं? मुझे तो नहीं पता। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ सच में मुझे नहीं पता भाई, आज कॉलेज में पार्टी है। यार तू जा यार, देख मैं ठीक हूँ यार। पार्टी में नहीं चलेगा? नहीं यार। क्या बात कर रहा है? तू जा, तू एंजॉय कर यार। अरे दारू पिए के भाई। नहीं यार तू जा यार। अरे यार सुबह मारा कर तू भाई। छल्ले बनाएंगे छल्ले। सुबह बात माना कर यार, तू जा यार, बात माना कर। तू छल्ले नहीं बनाएगा यार शुभम, समझ। तू जा यार, मैं आता हूँ। तू वो दिन भूल गया? देख तू ना मानेगा नहीं, मुझे लगता है तू मुझे लेके जाएगा कॉलेज, तेरे कारण जा रहा हूँ मैं। चल वो दिन याद कर एक बार। देख जाता हूँ, पार्टी भी करेंगे। उदय भाई, शुभम भाई, शुभम भाई, ये 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 शुभम आज है ना, जो तूने वादा किया था, वादा जो किया है निभाना पड़ेगा। देख तेरे स्पेशल तेरे कहने पे मैं आ तो गया कॉलेज, पर यार अलग ही मोला यार। देख तू एंजॉय कर, अभी थोड़ा काम वाम कराता हूँ। क्या तुझे पसंद नहीं आया क्या? नहीं यार ठीक है, बस अब थोड़ा काम वाम है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। मैं इन चीजों को छोड़ चुका हूँ यार। सर तू एक बात बता, इतना चेंज तेरे में आया कैसे भाई? देख शुभम तू सही कह रहा है, वो एक टाइम था जब मैं बहुत पिया करता था तेरे साथ। कॉलेज में हमारा पर्सनल एक ग्रुप हुआ करता था जो हम पूरे दिन यही करते थे। हाँ और दूसरा हमारा ड्रिंक वाला प्रेसिडेंट भाई बोल रहा था। हाँ शुभम हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, पर वो मेरा पास्ट है। अब मैं उन सब चीजों को छोड़ चुका हूँ और मैं तुझे भी बोलता हूँ तू वो सब चीज छोड़ दे। तो सब चीज छोड़ दे यार, बिल्कुल वो जैसे शरीर के लिए ठीक नहीं वैसे ही हमारी लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। भाई यार बात तो सही कह रहा है, लेकिन इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है? मैं हैरान देखकर, मुझे इंस्पिरेशन भी मिल रही तुझसे कि तू इतना मेरे साथ बैठ के इतना सिगरेट पीते थे दोनों भाई, साथ में ड्रिंक करते थे, इतना सारा तेरे में चेंज, एकदम से इतना बदलाव। लॉकडाउन में ऐसा क्या कर लिया तूने जो इतना सारा चेंज आ गया तेरे पे? तूने पीना छोड़ दिया, तूने सिगरेट छोड़ दिया, तूने सारे गंदे काम छोड़ दिया, इतना कैसे बदलाव है भाई? शुभम ये कहानी बहुत लंबी है, पर मैं तुझे बताऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत है तुझे। तो एक बार की बात है कि भाई
कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हेलो हेलो जेंटलमैन, यस यस, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? उदय, क्या बात है। सूर्य उदय, उदय क्या बात है। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। हाँ हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, दोनों करेंगे यार। बट उससे पहले क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको एंजॉय करना अच्छा लगता है? I am enjoying a lot, you know. That's great. Good to hear that, man. Dance, chicken party. Yes. आपको डांस करना अच्छा लगता है? आपको क्लबिंग? Yes. डांस करना अच्छा लगता है? Yes. खाना खाना अच्छा लगता है? Yes. जोरदार डांस करना अच्छा लगता है? Yes. तो मैंने देख रहा हूँ आप लोग डांस तो कर रहे हो, पर थोड़ा फीका डांस कर रहे हो यार आप। मजा नहीं आ रहा डांस देख के। Yeah. मजा नहीं आया, आप इंजॉय कर ही नहीं रहे यार। ये कोई एंजॉयमेंट है? मैं तो लो लेवल का एंजॉयमेंट है जो आप कर रहे हो। इससे हाई लेवल का एंजॉयमेंट अगर मैं दूं तो कैसा रहेगा? ऐसा भी कुछ है? यस, ऐसा कुछ है जो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। What is this? इनको नहीं जानते? YouTube सेलिब्रिटी, I am अहमदाबाद के स्पीकर, His Grace अमोघ लीला प्रभु। यस, ये आ रहे हैं। अरे अरे अरे, देखो इसमें डांस है। यस, कीर्तन है, डांस है, खाना है, कथा है, आरती है, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बहुत कुछ होगा यहाँ पे, और साथ साथ अमोघ लीला प्रभु जी भी होंगे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फेस्टिवल कर रहे हैं जिसका नाम है प्रेरणा इंस्पिरेशन। क्या नाम बताया? प्रेरणा फेस्टिवल का नाम है प्रेरणा इंस्पिरेशन। बट अब ये पता है प्रेरणा फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? तो आप जानते हैं हमारे यहाँ पास में सेक्टर 25 में इस्कॉन रोहिणी का टेंपल है, इस्कॉन मंदिर का। तो बस वही आज शाम को ये फेस्ट है, प्रेरणा फेस्टिवल, जहां पे आ रहे हैं हिज ग्रेस, और वहां पे क्या क्या होने वाला है, तो बस इंतजार किस बात का? ये छोटे छोटे डांस क्या अकेले डांस करो सड़क पे? जाओ 100 लोगों के साथ डांस करो यार, मजा तो करो। तुम बोलते हो तो ठीक है, तुम अच्छा आदमी लगा, और तुम डांस रहेगा तो मैं पक्का आएगा। That's great. तो I guess मिलते हैं फिर हम लोग शाम को, ठीक है, 4 बजे इस्कॉन टेंपल रोहिणी। ओके, वी मीट। ओके, वी रेडी फॉर डांस? आप सबने अभी प्रेरणा फेस्टिवल अटेंड किया, इसके बाद कुछ ज्ञान भरी बातें करना चाहेंगे भी। ये भगवत गीता है और भगवत गीता बताती है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का जीवन क्यों इतना कीमती है। शास्त्रों में कहा गया है, एक श्लोक आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुनम च, सामान्यते तात् पशुभि नराणाम, सामान्यमेता पशुभि नराणाम, धर्मो हितेषो अधिको विशेषो, धर्मो हितेषो अधिको विशेषो, धर्मेन हीना पशुभि समाना, धर्मेन हीना पशुभि समाना। तो इसमें ये पता चलता है कि मनुष्य के जीवन और पशु के जीवन में क्या अंतर है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, कहाँ सोना है, क्या खाना है, कहाँ संग करना है और कैसे अपनी रक्षा करना है। पशु भी तो यही कार्य कर रहे हैं, और अगर हम मनुष्य होकर भी यही कार्य करेंगे तो हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? अंतर मात्र एक है, धर्म की रक्षा, धर्म का पालन। अगर हम भी धर्म का पालन ना करें तो हम पशुओं से कैसे भी अलग नहीं है। अतः मनुष्य का जीवन ये सोचने के लिए मिला है कि क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, कार्यों के परिणाम के बारे में सोचने के लिए मिला है। मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, समय हो गया है, क्लास खत्म करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराष्ट्र भगवत गीता की, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
वो सब तो ठीक था, और जो लास्ट में जानवर आदमी, ये क्या बोला तुमने कि वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं? बिल्कुल, तो बहुत एंजॉय करता हूँ। ओके, चिकन खाता हूँ। ओके, सिकर कूदता हूँ, वो भी 30-30 ओके दिन में। ओके, खूब डांस, पूरा मजा में लाइफ। सारे पशु वाले कार्य करते हैं आप, लेकिन मनुष्य का जीवन ये सोचने के लिए मिला है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। like ये जो कार्य आप कर रहे हैं, चिकन खाते हैं, ये करते हैं, ये कैसे कार्य हैं? ये सोचने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। अगर यही पशुओं के जैसे कार्य करते रहेंगे तो पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा सोचने समझने के लिए। और आप तो ऐसे भी समझदार लगते हैं, पढ़े लिखे लगते हो, तो सोचो मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? ये करना, पार्टी में जाना, डांस करना, क्या ये जरूरी है? हमारे भी आध्यात्मिक पार्टी होती है। बाबा, आपने जो कहा ना, मुझे सच में कुछ रियलाइज हुआ। सच में जब मनुष्य किसी जानवर को देखता है, कुत्ता, वो भी खाता है, वो भी सोता है, बच्चे पैदा करता है, अपनी रक्षा भी करता है, मैं भी तो यही कर रहा हूं। और मैं तो इस नशे से परेशान भी हो गया हूं, मानो ये छाती बिल्कुल जल जाती है, इसे छोड़ना चाहता हूं मैं। मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, मैं 10 दिन में 30-30 सिगरेट पी जाता हूं। अब मुझे आप बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इन सबको देख रहे हो ना, ये भी पहले पीते थे, इन सबके जीवन में परिवर्तन आया है। ये है भगवत गीता, भगवत गीता जीवन की मैनुअल है। ये बताएगी जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और तुम इसको जब पढ़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि आध्यात्मिक होगी, उससे जान पाओगे कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, और धीरे धीरे अपनी आदतों को तुम सुधार पाओगे। अभी 30 सिगरेट पीते हो, धीरे धीरे इसको कम करो, छोड़ो। और ये है जप माला, इससे तुम्हारे विल पावर स्ट्रांग होगी। और ये भगवत गीता, ये पढ़ो और निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सारी गलत आदतें छूट जाएगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अरे शुभम, जल्दी से उदय के पास जाओ और उससे कहो FMCG की फाइल लेकर आए। ओके, जा। उदय, सर ने बुलाया तुझे FMCG की फाइल लेने के लिए। ठीक है, जा रहा हूँ। हरी सर, जी सर, आपका फाइल होगी। थैंक यू वेरी मच। अरे कौन सी फाइल लेके आ गया ये? FMCG की फाइल मंगाई थी, SSD की लेके आ गया। जाओ दोबारा बुला के लाओ इसे, एक काम ठीक से नहीं करता है। जाओ, नौकर बना दिया ऑफिस। अरे भाई क्या बनाया यार, बहुत सुना था कि बुला पर वो क्या। अरे जा यार। जी सर बताइए। अरे क्या लेके आए हो? FMCG की फाइल मंगाई थी, SSD की फाइल ले आए, इसलिए पैसे देता हूँ क्या मैं तुम्हें? बेवकूफ हो, अकल नहीं है तुम्हें? मेरे टाइम की कोई वैल्यू है या नहीं है? जाओ दफा हो जाओ और FMCG की फाइल लेके आओ। जाओ। सॉरी सर, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए मैं सॉरी मानता हूँ, मैं आपकी फाइल लाके देता हूँ सर। थैंक यू सर। जाओ। भाई, अरे वो उदय भाई, अरे कहाँ चले जा रहे हो? सुनो। हाँ सुनो भाई, एक चीज़ ये बता, सर ने तेरी मतलब ढंग से धुलाई कर दिया पूरा ऊपर से नीचे, फिर भी तू मतलब एक ही बार ना उनको कुछ रिप्लाई दिया ना कुछ गुस्सा हुआ, मतलब तूने पूरा एंगर को मतलब पी लिया जैसे एक तरीके से।
कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। ये कैसे बदलाव आया भाई तेरे अंदर? पहले तो तू तुरंत रिप्लाई दे देता था, पूरा इतना एंगर आ जाता था, पूरा एक्साइटेड हो जाता था, लड़ाई करने के लिए दोनों भाई रेडी हो जाते थे। बॉस ने तेरे सामने ऐसे बेइज्जती की और तू बिल्कुल शांत होकर के, इतने शांत काम, पीसफुली काम करके कैसे तू ये कर लेता भाई? मैं बहुत इंस्पायर हूँ तेरे इस। कुछ लोग हैं मेरे लाइफ में, जब उनके आने से ये मैं इम्प्रूवमेंट कर पाया है। अच्छा हाँ, मैं तुझे बताना चाहता हूँ ये सब हुआ कैसे। तो इसकी कहानी इस प्रकार है कि जब मैं भक्तों के संग आया और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फिर उस कैंप में जब मैं गया तो वहाँ जो एक्टिविटी थी वो इस प्रकार थी कि उसकी कहानी अलग तरीके से। शुभम चल यार घर चलते हैं। हाँ चल यार, मैं भी थक गया हूँ बहुत ज्यादा। चल यार। अरे वो देखा तूने वो वाला डांस? अरे वो तो कतई धमाल मचा दिया यार, पर है ना वो फालतू बोल रहा था एक। अरे टेंशन नहीं, मैं देखेंगे उसको कॉलेज में। देख लेगा भाई, टेंशन कॉलेज में ना उसको देखेंगे, अपने ग्रुप से बिठता है उसको अभी पता नहीं है अपनियों का मजरा। अरे यार चल कर चलते हैं, छोड़ इन सब यार, चल छोड़ मम्मी मम्मी यार, मम्मी भी सुनती नहीं है यार। पापा देखो, डांटना डांटना डांटना, इस टाइम आया उस टाइम आया, ये करा वो करा, शुभम के साथ कैसे घूमता है, वहां क्यों करता है, बाइक ऐसे क्यों चलाता है। जब देखो आपका ये कहना है मैं अपनी लाइफ ना जीऊं, सब लोग कितना घूमते हैं, इधर उधर ट्रिप करते हैं, उधर जाते हैं, इधर खाना खा के आते हैं, कितने 10 ही तो बजे हैं बस, ये कोई टाइम हुआ? यही तो टाइम होता है घर आने का। और अब मैं ना 10वीं के एग्जाम दे चुका हूँ, 11वीं में आ गया हूँ, तो है ना अब मुझे जाना बोला मत करो, मैं देख लूंगा अपना, मैं सुनूंगा नहीं अभी ज्यादा, ठीक है ना? जा रहा हूँ, मम्मी खाना दो यार। अपने कार्य करते रहना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ ध्यान देते रहना चाहिए। और मैंने तुम्हें माला दिया तो करना भी तुम शुरू कर दिए हो, पुस्तक का भी अध्ययन कर रहे हो। अरे पंडित जी, अरे कहाँ से आ रहा है और ये क्या करते रहते हो तुम? हरे कृष्णा हरे रामा, कहाँ है तुम्हारे राम, कहाँ है तुम्हारे कृष्ण, और वो क्या है आज वो तुम्हारी रामनवमी आज है? क्या करते हो रामनवमी पे? राम का जन्म हुआ था आज? अरे क्या सबूत है राम का जन्म आज हुआ था? हजारों लाखों साल पहले आए थे राम, आज हुआ था राम का जन्म? तुम जैसे लोगों की वजह से देश नीचे जा रहा है, अमेरिका यूरोप कहां से कहां पहुंच गए, और तुम हरे कृष्ण हरे रामा में लगे पड़े हो। है तुम्हारे कृष्ण? दिखाओ दिखाओ अपने राम को। उल्टा बोल रहा था मतलब उसने क्या क्या नहीं बोल दिया, इतने ऊंचे स्वर में बात कर रहा था और
मतलब आपने उसको ना डांटा ना उसको कुछ कहा, ऊपर से ऊपर उसको प्रसाद भी। जैसे क्रोध कर देता तो क्या होगा, दोबारा हमारे साथ नहीं आता, कुछ होगा वो क्रोध कर रहा था और क्रोध से हमारा ही नुकसान होता है। क्रोधार बोधि सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रम साथ बुद्धि ना तो बुद्धि ना तो प्रणति। बुद्धि का नाश हो जाता है क्रोध करने से, अतः क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है। और जब भी ऐसे जीवन में से चिंतन आए क्रोध नहीं करना चाहिए। जीवन के इस संदेश को तुम याद रखना, ठीक है? आओ चलो। मैं तुम्हें भी बोलता हूँ शुभम, तुम भी मेरे साथ एक फेस्ट होने वाला है, वो भी प्रेरणा। अच्छा हाँ, और तुम्हें उसमें चलना चाहिए, और वो कल है। क्या बात है? हाँ तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ है ना, बेस्ट चलो। हाँ यार, मैं भी अब ना सुधरना चाहता हूँ इधर। अब ना अकेला अकेला लगता है ये सब करने में भी, ये दारू पीना, ये मुझे को भी अकेले लगता है। जो तू करेगा ना भाई, वो ही मैं करेगा। ठीक है शुभम, अगर तुमने सोच ही लिया है ना, तो तुम मेरे साथ आल बेस चलो। बेस? हाँ, बेस, बेस एक ऐसा स्थान है जहां पर हम सब लोग एक साथ रहते हैं, बहुत खुशी से सब प्रसाद पाते हैं, डांस करते हैं, सुबह उठते हैं और संकीर्तन करते हैं, और बहुत सारी ऐसी ऐसी एक्टिविटी है जो तुम चलोगे तुम देखोगे। चल भाई बिल्कुल चलेगा भाई, चल चलो। शाम हो गई ना आज, लेट हो गया थोड़ा। हाँ एक काम करते हैं, प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद? हाँ, फिर हम सो जाते हैं। खाना नहीं खाएंगे? अरे देखो क्या होता है ना, जो हमारा कुक जो खाना बनाता है उसको हम भगवान को ऑफर करते हैं। अच्छा हाँ, जब भगवान उसको ऑफर कर लेते हैं तो वो दिव्य हो जाता है। अच्छा, दिव्य प्रसाद मिलेगा ना। हाँ हाँ, खत्म कर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलो। और खाना कैसा लगा? खाना तो बढ़िया था यार, जैसे खिलाया वैसे ही था। हाँ, इसको प्रसाद बोलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, और चलो अब सो जाते हैं, काफी टाइम हो गया है। अभी तो 10 बजे यार उठने हैं, मतलब 10 बजे सोने का टाइम बता रहा है। लेट हो गया ऑलरेडी, 10 को लेट को बोलता है यार, 4 बजे मतलब सोने का टाइम। यही सही टाइम होता है, 10 बजे में सोना चाहिए और 4 बजे में उठना चाहिए। यार टफ लग रहा है, बट ट्राई कर सकता हूँ। कोई नहीं, आज हम जल्दी सोते हैं। चल ठीक है भाई, अच्छा तू कहता है तो सो जाता हूँ 10 बजे। लगता है सुबह उठाएंगे, इट्स 5:30। अच्छा थोड़ा सुबह को उठाना पड़ेगा। सुबह 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 यार, रात का टाइम हो गया यार। हाँ कॉलेज में थी। नहीं सुबह यार, इट्स 5:30। बस भाई बस। अरे सुबह यार,
भाई थक गया यार, ये तो पार्टी से खतरनाक है तेरे मॉर्निंग के। भाई हम लोग सुबह अपने दोस्त के साथ डेली, मतलब डेली सोच यार, कॉलेज में छह महीने में एक बार ऐसा डांस, वो भी नहीं इसलिए मेरे को तो होता ही नहीं है भाई। अब यही डांस करेगा आपको, टेंशन मत ले। तो सुबह कल प्रेरणा फेस्ट है, नहीं आज है भूल गया। भाई जो तू कह देगा, जिस दिन आज है कल चला चलूंगा, अब तो तेरे ही सहारे है चलना है जो ठीक है। तो ना देख, सबसे बड़ा ना हम भारत में हमारा जन्म हुआ है ठीक है, और सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा काम क्या है? काम तो नहीं पता, मैं बता रहा। अच्छा, सबसे बड़ा काम है कि अपना जीवन सार्थक करके और ये जो भक्ति का मार्ग है ये सबको देना चाहिए, ये हमें परोपकार करना चाहिए सब पे, कि वो सब इस बात को रियलाइज कर पाए। नहीं उदय, जो चेंज मैंने तुम में देखा है और मुझे खुद भी अपने आप में बदलाव दिख रहा है, मैं वो अपने जैसे जितने भी यूथ्स हैं मेरी एज ग्रुप के, जिनको भी ये प्रॉब्लम है ड्रिंक करने की, स्मोकिंग करने की, और जिनको भी ये एंथुसियाज्म चाहिए लाइफ में कि फ्रेश रहे, स्ट्रेस फ्री रहे और जो खुश रहे जीवन में, इतना यंग एज में भी आजकल के जो हम लोग के साथी हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, वो कितने डिप्रेस्ड हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ हंस नहीं पा रहे, ना वो डांस कर पा रहे। तो भाई ये जो तूने मुझे सिखाया ना, ये मैं जो सोसाइटी के सारे बच्चे हैं ना, अपने ग्रुप के जो पीयर ग्रुप है, उन सबको देगा भाई। यही हमें करना है, और मैं अपने साथ दोस्तों को भी लेके आऊंगा भाई प्रेरणा में। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 कृष्णा।